इश्क का रंग सफेद में कामिनी हर पल अपनी चालें चलती जा रही हैं और सोचने वाली बात यह है कि वो अपनी चालों में कामयाब भी हो रही हैं। जी आप खुद ही सुनिए। सीन में यही चल रहा है कि कामिनी ने यहाँ से शुरू से लेकर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो शतरंज की जो चाल है वो सारे चाल चली है, और उसके बाद उसने उसको लगा कि फाइनली उसने विप्लव को जीत लिया है, विप्लव ना उसका हो गया, उसके प्यार में पागल है। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि विप्लव सच में जेन्युइन है कामिनी के प्यार में या सच में कामिनी सक्सेसफुल हो चुकी है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि कामिनी की कुछ चीज़ें वहम होती है, क्या वो सच में पागल हो रही है, क्या उसके जो कर्म उसने किया है कि उसको सजा भुगतने को मिल रहा है, नो आइडिया। पर ऐसा लग रहा है कि कामिनी का पोल खुलने वाला है। पर कामिनी भी कामिनी है, यू नेवर नो कब पासा ऐसे पलट दे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आफ्टर दैट शो मुझे फैंस कभी भी आते हैं कि आपने वैसा वाला कैरेक्टर किया था, नाउ यू आर टिपिकल वैम्पिश, यू नो साइकोटिक कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, सो वो वाला आप कैसे कर रहे हैं। मुझे हमेशा यही लगता है कि एक एक्टर, बींग एन एक्टर, आपको हर किरदार निभाना चाहिए। और आई एम एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर, आई हैव एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे लव सीन्स जैसे हैं आपको, यहाँ पे कामिनी के बहुत सारे शेड्स हैं। ऊपर से एक शातिर है, उसका गेम प्लान ऊपर से कहीं ना कहीं इसके एक अंदर ना एक बच्चा भी है कि होता है ना कि प्यार में इतना पागल है कि कुछ भी कर सकती है, मतलब कहीं किसी को खून भी करे उसको, ठीक है फाइन, मुझे तो अपना प्यार चाहिए ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर टाइप उसके पास है, उसके पास कोई एथिक्स नहीं है, मुझे बस विप्लव दिख रहा है, मुझे विप्लव चाहिए। हम आपको बता दें कि कामिनी यही नहीं रुकेंगी, आगे भी वो अपनी चाल पर चालें चलती जाएंगी, यानी शो में प्यार कम और प्लान ज्यादा देखने को मिलेगा। कैमरामैन हीरा के साथ सानिया सिन्हा, टेली रिपोर्टर मुंबई।